नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रोष मार्च के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हाथों में बैनर लहराते पीले रंग के झंडे और सुरक्षा कर्मियों का हुजूम, ये तस्वीरें गुरुनगरी अमृतसर की हैं, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने रोष मार्च निकाला। इस रोष मार्च का नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने किया। इस दौरान सिख संगत ने वाहेगुरु का जाप किया। लोहगढ़ गुरुद्वारा साहिब से निकाला गया ये रोष मार्च श्री अकाल तख्त साहिब पर सम्पन्न हुआ। आज दी मार्च ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर पार्टी अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान श्री अकाल तख्त साहिब जाएंगे और वहां गुरु के दर्शन करेंगे। लोहगढ़ साहब छेवें पातशाह दे गुरुद्वारे तो इकट्ठ करके असी अकाल तख्त साहब दे मत्था टेकांगे, गुरु ग्रंथ साहब नूं। लोहगढ़ गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ रोष मार्च शांतिमय ढंग से श्री अकाल तख्त साहिब पर जाकर संपन्न हुआ। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर सियासी दलों और धार्मिक संस्थाओं की ओर से भी पंजाब में शांति की अपील की जा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि सूबे में शांति कायम रखना सूबा सरकार की जिम्मेवारी है। ब्लू स्टार की 33वीं वर्षगांठ के मौके पर सियासी दलों की तरफ से पंजाब में शांति का पैगाम दिया जा रहा है। पंजाब के आवाम से अपील की जा रही है कि वो इस मौके पर अमन और भाईचारा बनाए रखें। सुखबीर सिंह बादल ने ब्लू स्टार की बरसी को लेकर दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह खालसा से मुलाकात की। उन्होंने आशंका जताई कि सरबत खालसा के जथेदार प्रदेश में माहौल खराब कर सकते हैं। उन्होंने पंजाब सरकार को जिम्मेदारी का एहसास करवाया और कहा, अगर माहौल खराब होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जिम्मेवारी तो सरकार दी अमन शांति रखना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई लीगल पावर तो नहीं है ना। आज तक अपील कर सकते सारी संगत नु कि उत्थे अमन शांति नाल मर्यादा ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। वहीं दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह खालसा ने भी सिख कौम से शांति बनाए रखने की अपील की है। सिख जथेबंदियां हर सिख इस गल की जिम्मेवारी निभाउण के बड़े संजम विच बड़े शांतमई ढंग दे नाल पूरे जाबते विच रह के और वैराग नाल ही आपां इह सारे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देनी है। मैं यही कहना चाहुंदा भाई, ब्लू स्टार की 33वीं बरसी के मद्देनजर सरबत खालसा की ओर से थापे जथेदारों ने समागम के आयोजन का ऐलान किया हुआ है। श्री अमृतसर से राजन गसाई के साथ गुरदर्शन सिंह संधु, जी मीडिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर पंजाब में प्रशासन सतर्क है। लुधियाना में फ्लैग मार्च निकाला गया। एहतियातन निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों सहित महिला पुलिस कर्मी भी शामिल थी। घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनजर लुधियाना में पुलिस ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान अलग अलग जगहों पर तलाशी लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लुधियाना पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं।
जो घलूगरा बीच ज्यादा है उसमें हमने जो स्टेशनरी रेलवे स्टेशन उसके ऊपर हमें सर्च किया है, एंटी सॉफ्ट चेक किया डॉग स्क्वायर के साथ और जो हमारा क्रिमिनल है उसके साथ। और अब हम जो है फ्लैग मार्च कर रहे हैं चौड़ा बाजार का, ये सारा एरिया जो है वो हम डोमिनेट कर रहे हैं। कितने मिला हमारे पास 52 हैं, दो ACP हैं, SHO है और अदर जो है हमारे पास GPO। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 33वीं बरसी के मद्देनजर पंजाब पुलिस एहतियातन कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाल रही है और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी हुई है ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर सके। ब्लू स्टार ऑपरेशन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता बताया है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। SGPC मामले पर पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बादल परिवार पर निशाना साध रहे हैं तो वहीं HSGPC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने अकाल तख्त समेत तमाम तख्तों के जत्थेदारों की नियुक्ति के सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। SGPC के मसले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बादल परिवार को घेरने की पूरी कोशिश की है। SGPC को बादल परिवार के कब्जे से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता लाली मजीठिया ने इस मुद्दे पर बादल परिवार को घेरते हुए ये आरोप लगाया है। उनका मानना है कि SGPC तभी स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी जब धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के दखल को खत्म कर दिया जाएगा। उधर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने अकाल तख्त सहित तमाम तख्तों के जत्थेदारों की नियुक्ति के सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने भी जत्थेदारों की नियुक्ति के मुद्दे पर बादल परिवार को निशाने पर लिया है। टक्की नहीं कि बादलों ने जिमें SGPC के उत्ते कब्जा किया, सारी धार्मिक संस्थावान से कब्जा किया और जिस तरह इन्हों अपने पर्सनल फायदे वास्ते वरत रहे हैं। बाकी जो कहें कांग्रेस से कि लिंक आ लिंक नहीं, तो इस गल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अज तक बादल परिवार ने सवाए सिख धर्म च जिहड़ा धर्म नूं सियासत लई वरतन तों इलावा इन्हां ने कुछ नहीं किया। हज़ारां करोड़ का बजट हर साल खा जांदे आ, जिहड़ा सीधा सीधे तौर पर साहब प्रकाश सिंह बादल दे घर जा रहा। उसके लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान करपाल सिंह बंडूंगर को एक महीने का समय दिया गया है कि वो जनरल अजलास बनाकर तख्तों के जहेदारों के विधि विधान बनाएं कि जहेदार को पद्म सेवा जहेदार की नियुक्ति कैसे हो। आम आदमी पार्टी ने SGPC के चुनाव लड़ने की संभावना को एक बार फिर खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है तो आम आदमी पार्टी SGPC से चुनाव नहीं लड़ेगी। HSGPC के प्रधान जगदीश झिंडा तो बकायदा जत्थेदारों की नियुक्ति का विधान तय करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितिनजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। ई माइनिंग विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोधी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो सरकार आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कह रही है। रेत खदान नीलामी विवाद को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार पर जुबानी हमला बोला है। पंजाब में रेत खदानों की नीलामी से जुड़े विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने जुबानी जंग को जारी रखते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष HS फुल्का का कहना है कि रेत खदानों से संबंधित बेनामी सौदे में शामिल सरकार के विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल का आरोप है कि महज 2 महीने में कांग्रेस सरकार बड़े घोटालों में घिर गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता लाली मजीठिया ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि नारंग आयोग गहनता से जांच कर रहा है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्होंने ठेके लाए ने, ये बेनामी ठेकों के उत्ते जिन्होंने लाए आ उन्होंने एक्शन होना चाहिए। कानून के मुताबिक कोई भी MLA या मिनिस्टर सरकार के नाल बिजनेस नहीं कर सकता, पर यह जो बेनामी तरीके इन्हों के मिनिस्टर ने तो जिन्हें भी MLA ने यह ठेके लाए आ डिसक्वालीफाई होंगे, उन्होंने उत्ते एक्शन होना चाहिए। हर चीज़ मुकरी जाती है तो हुण जिहड़े तुसीं देखिया होना आ जिहड़े रेता बजरी किन्ने वड्डे घोटाले इन्होंने 2 महीने च करते। मैं लगता है इक्को ही सरकार है जिहड़ी हिंदुस्तान के इतिहास जिहड़े बनदे 2 महीने के अंदर लोग उन्होंने नफरत करन लग गए।
जस्टिस जिहड़े नारंग कमीशन उन्होंने इनक्वायरी कमीशन बनाता सीएम साहब ने उहदे फैक्स सामने आ जाने जो फैक्स ने जो तथ्य ने वह सच ने तो गल सारी सामने आ जानी है जिदन आऊगी सीएम हैज टेकन ए कॉल और उहदे ते उह तुहानूं अगले दिनां दे विच सब कुछ तुहाडे सामने आएगा। हमलावर रुख अपनाने वाली आम आदमी पार्टी और अकाली दल को सरकार जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करने की नसीहत दे रही है। पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। क्या पंजाब को डिस्टर्ब करने की साजिश रची जा रही है? पंजाब के अमन में कौन कर रहा है खलल डालने की कोशिश? क्यों विदेशों में बैठे रेडिकल ग्रुप्स पंजाब सरकार और पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं? क्या इनसे निपटने के लिए पंजाब सरकार को ठोस रोड मैप की जरूरत है? अमृतसर में जी मीडिया संवाददाता राजन गुसाई ने इन्हीं मुद्दों पर लोगों से बातचीत की है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से गर्म ख्याली लोगों की सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या पंजाब के माहौल को खराब करने की साजिशें रची जा रही हैं? इसी मुद्दे को लेकर पंजाब की बात के तहत जी मीडिया की टीम आम लोगों के पास पहुंची है। उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना, आपका क्या मानना है? पिछले कुछ दिनों से फिर से गर्म ख्याली लोग सरगर्म हुए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लग रहा है कि पंजाब के अमन चैन को खराब करने की साजिशें रची जा रही है। राजू जी, ऐसा है जो विदेशों में कुछ ग्रुप बैठे हुए हैं और जो हमारे गवांडी मुल्क की जो खुफिया एजेंसी ISI है वो पंजाब की तरक्की से जलती है। वो नहीं चाहती कि जो हमारा बॉर्डर पर भारत का पहला स्टेट जो पंजाब सूबा है वो तरक्की करे, वो खुशहाल हो, और जे खुशहाल होने से ISI को खतरा है। इसी के बीच वो विदेशों में बैठे कुछ गर्म ख्यालियों को लेके उनको संपर्क में लेके पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं। और जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की माने वो तो हर सिख को दर्द है। वो तो कोई भी सिख है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे बच्चा है, उसको दर्द है। जो उन लोगों को सजा दिलाने के लिए हमारे भारत में न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही वो इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कानून हाथों में लेकर जहां पब्लिक को गमरा जहां पब्लिक को दहशत में लाकर जहां ऐसे झूठे जो जैसे बम ब्लास्ट होते हैं ऐसी गतिविधियों से जो हमारा जो पंजाब है वो पीछे बहुत चला जाएगा। हथियार नहीं उठाना चाहिए आपके मुताबिक? आप बताइए क्या समझते हैं, जो विदेशों में बैठे लोग हैं वो वाकई पंजाब की तरक्की के विरोधी हैं? हाँ जी, वो बिल्कुल पंजाब की तरक्की के विरोधी हैं। वो चाहते नहीं है कि पंजाब में कोई तरक्की हो। अगे पहले 10-12 साल ऐसा ही जो पंजाब का माहौल खराब रहा, इसके लिए काफी पीछे चले गया। पंजाब के सिर कर्जा चढ़ गया, किसानों के सिर कर्जा चढ़ गया। वो नहीं चाहते कि पंजाब की तरक्की हो, पंजाब के लोग खुशहाल हो। यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि गर्म ख्याली विदेशों में जो बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि पंजाब का अमन चैन खराब हो, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार को बेरोजगारी खत्म करनी होगी ताकि बेरोजगार नौजवान गर्म ख्यालियों के टारगेट पे ना आए और पंजाब का माहौल दोबारा से खराब ना हो। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। फरीदकोट में एक निलंबित पुलिसकर्मी के घर से अवैध शराब के साथ साथ एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस मामले में निलंबित पुलिस कर्मचारी के फरार बेटे और उसके साथी की पुलिस तलाश कर रही है। जिस पुलिस कर्मचारी के घर से अवैध शराब बरामद हुई है वो पहले से ही सस्पेंड चल रहा है। फरीदकोट में CIA पुलिस ने अवैध शराब के गोरख धंधे में जुटे लोगों पर शिकंजा कस दिया है। CIA पुलिस ने एक घर से 200 पेटी शराब, 32 बोर की पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जिस घर से शराब की पेटियां बरामद हुई हैं, वो पहले से सस्पेंड चल रहे पुलिस कर्मचारी का है। इस सिलसिले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि एक को पुलिस ने दबोच लिया है। घर में अवैध शराब की पेटियां रखने के मामले में निलंबित पुलिस कर्मचारी का बेटा और उसका साथी फरार चल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਬੋ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 4 ਕਾਰਤੂਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਠੇਕਾ ਦੇਸੀ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। CIA ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਘਰ ਮੇਂ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ। आरोपी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ पहले से ही NDPC एक्ट के 2 मुकदमे दर्ज है, जबकि उसका बेटा भी अवैध शराब बेचने के धंधे में हाथ बटा रहा है। फ्री कोर्ट से देवना शर्मा, जी मीडिया।
पंचकुला उद्योगिक प्लांट आवंटन मामले में आज फिर से सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। राजधानी दिल्ली दे विच अज सीबीआई दे दफ्तर दे विच भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि साबका मुख्यमंत्री हरियाणा ते उन्हां दे साबका प्रिंसीपल सैकटरी जिन्हां तों सीबीआई ने तकरीबन 5 घंटे अज पुछताछ की है। पुछताछ जिहड़ी कि पंचकुला दे विच जिहड़े कि इंडस्ट्रियल प्लॉट सीगे उदू जिहड़ा कि गलत तरीके दे नाल वंडिया गया सी, उन्हां दे उत्ते इल्जाम सन कि उन्हां ने अपने चहेतियां नूं अपने नज़दीकियां नूं जिहड़े प्लॉट बड़े सस्ते भाव दे उत्ते दित्ते गए सीगे, जिहड़े कि सरकारी पैसे दी जिहड़ी दुरवरतों होई सी उस नूं लै के सी बी आई ने 5 घंटे लंबा समा राजधानी दिल्ली दे विच सी बी आई दे दफ्तर दे विच पुछताछ की। इस तों पहलां सी बी आई दोवां नूं इकट्ठे ना बिठा के कल्ले कल्ले बिठा के पुछताछ कर चुकी है। अज सी बी आई ने दोवां नूं इकट्ठे बिठा के लंबा समा पुछताछ की है। दिल्ली तो नवजोत सिंह धालीवाल, जी मीडिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता का संदेश दिया। हाथ में झाड़ू लिए जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल की सड़क पर निकले तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने यहां झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के करीब 48 टिपर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा में भी इस दिवस को एक प्रकार से अपने अपने कार्यक्रमों के हिसाब से मनाया जा रहा है। जो नगर निगम के अंदर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए टिप्पर्स, पहले 30 टिप्पर्स यहाँ काम कर रहे थे, 20 टिप्पर्स आज उस बीड़े में और जुड़े गए हैं, तो 50 टिप्पर से हरियाणा करनाल नगर की जो कूड़ा उठाने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल पार्क में 62 लाख रुपए की लागत से बने 2 ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को हरे और नीले रंग के डस्टबिन भी बांटे। सीएम ने शहरी स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत स्वच्छ वार्ड सेक्टर 7 की महिला पार्षद सुजाता अरोड़ा को 2 लाख और स्वच्छ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 50,000 रुपए नकद राशि भी दी। स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ अभियान और स्वच्छता को और मजबूत करने के लिए तरह तरह के प्रकल्प चालू किए गए हैं। जैसा करनाल में ही हर घर में डस्टबिन इस नाते से 2-2 डस्टबिन दिए जा रहे हैं, हरे रंग का नीले रंग का, ताकि सेग्रीगेशन एट द सोर्स हो जाए। आज हमने ओपन जिम अटल पार्क में ओपन जिम इसका भी एक उद्घाटन किया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छ गृहिणी अवार्ड और स्वच्छ एनजीओ अवार्ड विजेता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों को शहर को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई। करनाल से कमरजीत सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वे खेती से संबंधित आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले भी सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिंगापुर और हांगकांग का विदेशी दौरा करके आ चुके हैं। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ आधुनिक खेती की जानकारी जुटाने के लिए विदेशी दौरे पर निकल रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा करेंगे। धनखड़ दुनिया में आधुनिक डेयरी उद्योग के सबसे बड़े देश न्यूजीलैंड से आधुनिक डेयरी की तकनीक के बारे में जानकारी लेंगे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से खाद्यान्न के भंडारण और मैनेजमेंट की आधुनिक तकनीक का ज्ञान भी हासिल करेंगे। हरियाणा 3-4 चीजों का हब बनना चाहता है। हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं जो दुनिया की भैंस कही जाती है। डेयरी इंडस्ट्री में न्यूजीलैंड बहुत आगे है। अभी हरियाणा 3रे नंबर पे है। डेयरी इंडस्ट्री हमारी अभी अमूल से भी देश में कहें तो पीछे है, तो किस तरह से हम डेयरी इंडस्ट्री को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, ये एक अध्ययन का मुख्य विषय है। वहाँ इस पर काम करने वाली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंगें हो रही हैं, कुछ MOU साइन हो रहे हैं। पूरे दौरे में लगभग 6 MOU साइन होंगे। कृषि मंत्री न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिजी भी जाएंगे। फिजी में धनखड़ गन्ने की आधुनिक खेती के तौर तरीकों का अध्ययन करेंगे। इन यात्राओं का मकसद हरियाणा को आधुनिक खेती का हब बनाना है। गन्ने में फिजी सबसे आगे है।
और दुनिया में उससे बेहतर देश करने के लिए कोई नहीं है, हम गन्ना उत्पादक भी हैं, तो बहुत गहरे अध्ययन के लिए हम जा रहे हैं। डेयरी और गन्ने की आधुनिक खेती को नजदीक से जानने के मकसद से सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा पर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरकारी दाल को सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेचने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। सरकार जिस दाल को गरीबों की भूख मिटाने के लिए सप्लाई करती है, कुछ लोग उसे पैसा कमाने का जरिया बनाने में जुटे हैं। बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की छापेमारी में आदर्श नगर स्थित आटा मिल से सरकारी दाल के 200 कट्टे बरामद हुए हैं। मौके से सरकारी दाल के लिए इस्तेमाल होने वाले खाली लिफाफे बरामद किए गए हैं। इस बाबत जब आटा मिल मालिक से सवाल किया गया तो जनाब खराब तबीयत का हवाला देते हुए मीडिया को नसीहत देने लगे। आपके यहाँ सरकारी दालें बरामद हुई है, कहाँ से लेकर आए थे आप? सरकारी दालें बरामद हुई हैं आपके यहाँ भारी मात्रा में, कहाँ से आई है? इन्वेस्टिगेशन में अपना बयान देता हूँ, जो भी दिलाएंगे, जो कार्रवाई हो रही है अफसर है उनको ले लेंगे अपने आप। सीएम के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने बताया कि आटा मिल में सरकारी दाल को सस्ते दाम पर खरीद कर आगे बेचा जाता था। तो इस चेकिंग के दौरान हमें मिले हैं करीब 200 कट्टे करीब है, 100 कट्टे करीब है, और बड़ी संख्या में रैपर मिले खाली जो सरकारी होते हैं। तो इससे इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सरकारी दालियाँ नहीं मिली, बिल्कुल यहाँ पे मिली है। और इस संबंध में हम जो लीगल कार्रवाई थी कार्रवाई हम कर रहे हैं, हम इसको चेक करें किसकी है किसकी नहीं। दाल कब दी थी आपने डिफॉल्ट? दाल पिछले मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के छापे के बाद आटा मिल मालिक खराब तबीयत का हवाला देते हुए मीडिया से बचते नजर आए। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस और वामपंथी दल पर आरोप लगाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने चुनाव में धांधली होने की आशंका जाहिर की। हिमाचल बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव में धांधली होने की आशंका जाहिर की है। हिमाचल विधानसभा के चुनाव होने से ठीक पहले शिमला नगर निगम चुनाव सत्ताधारी कांग्रेस, वामपंथी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। हाई कोर्ट का डंडा चलने के बाद नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने का दौर खत्म हो गया है। हिमाचल बीजेपी ने आशंका जाहिर की है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार चुनाव में धांधली के मकसद से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। और उनका बार बार ये कहना जो लड़ेगा जीतेगा वो हमारा, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वो धन बल का इस्तेमाल करके कॉरपोरेशन को बनाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल बीजेपी का आरोप है कि सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस और नगर निगम पर काबिज वामपंथी दल ने शहरवासियों को गंदा पानी पिलाने का काम किया है, जिसके चलते लोग पीलिया का शिकार हुए हैं। इन्होंने तो ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि इन्फेक्टेड वाटर, दूषित पानी वो पिलाकर लोगों को बड़ी मात्रा में पीलिया भी दिया, लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और ये स्थितियां बहुत गंभीर है। बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव की खराब हालत के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के राज को जिम्मेदार ठहराया है। ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे खेलों और खिलाड़ियों की। खेलों को लेकर सरकार की नीतियां कितनी सटीक हैं? क्या सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा के साथ इंसाफ कर रही है? क्या हिमाचल के खिलाड़ी सरकारी सुविधाओं से संतुष्ट हैं? क्या प्रदेश सरकार ने खेलों को लेकर मजबूत रणनीति तैयार की है? इन सभी मुद्दों पर जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा ने शिमला के लोगों से बातचीत की। क्या प्रदेशों में खेलों को लेकर राजनीति हो रही है? क्या खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाएं प्रदेश में मिल रही है? इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज हम बात करेंगे हिमाचल की बात में हिमाचल की जनता से। सर, जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हिमाचल में खिलाड़ियों को भरपूर सुविधाएं मिल रही है?
जहां तक हिमाचल प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधाओं की बात है तो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है कि पूरी तरह से जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्लेन इलाके में जहां मिल पा रही है वो हिमाचल में नहीं मिल पाती। लेकिन अगर खेलों में राजनीति की बात करें तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी अजय ठाकुर जी को जो है डीएसपी के पद पर पदोन्नति पर अपॉइंटमेंट दी है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो है बहुत अच्छी पहल है हिमाचल सरकार की, इससे जो है अन्य खिलाड़ियों को भी जो है इससे प्रोत्साहन मिलेगा और वो खेल में कुछ अच्छा करना चाहेंगे। सर आपको लगता है क्या प्रदेश में खिलाड़ियों के साथ राजनीति हो रही है, क्यों जिस तरह से लगातार बीजेपी या बार बार निशाना साध रही है प्रदेश कांग्रेस पर कि खेलों को लेकर जो प्रदेश सरकार है वो संजीदा नहीं है? मेरे ख्याल से वैसे तो सरकार कर रही है पर जिस लेवल तक करना चाहिए उस लेवल तक ये काम नहीं हो पा रहा। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है क्या भरपूर सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रदेश में? जी हाँ, यहाँ पे वैसे तो खिलाड़ियों को भरपूर सुविधा मिल रही है लेकिन कुछ अच्छे स्तर पे हो तो और बढ़िया किया जाएगा। हमारे जो यूथ है उन्हें काफी खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि उन्हें यहाँ पे कोई सुविधा इतनी नहीं है, भरपूर नहीं है, जैसे ग्राउंड वगैरह है बहुत कम है। तो मैं हिमाचल सरकार से चाहूंगा कि वो है कि यूथ के लिए एक अच्छा सा ग्राउंड प्रोवाइड कराए। ठीक है, कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपसे पूछे कि आपको लगता है कि प्रदेश में राजनीति हो रही है खेलों को लेकर? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। थोड़ा सा ग्राउंड मिल जाए बच्चों के लिए तब अच्छे बच्चे अच्छे आगे खेलेंगे और अच्छे खेल में जाएंगे आगे। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल के लोग जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि दोनों ही पार्टियों को खेलों और खिलाड़ियों को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए और खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे देश का नाम वो रोशन कर सके। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला।